ओम श्री गणेशाय नमः। माय फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर पे एक रीडिंग बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सिंगल हैं, किसी को पसंद करते हैं, कोई ऐसा पर्सन है, कोई क्रश है, या कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके दिलो दिमाग में रहता है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है, या सेपरेशन में है, या कोई भी डिसीजन आपको लाइफ में लेना है उस पर्सन के लिए, तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स बहुत मैटर करती हैं कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, इसमें मैं उनकी फीलिंग्स एंड इंटेंशन निकालूंगी, उनकी तरफ से दो लव मैसेजेस निकालूंगी, एंड फाइनली आपको क्या करना चाहिए आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी, ठीक है। और एक बात और फ्रेंड्स, मैं जो कहना चाहती हूँ, अगर किसी को मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दी है, आप लोग मुझे डायरेक्टली उस पे ही ईमेल करें और फिर मैं आपकी ईमेल का रिस्पॉन्स करके आपको सब कुछ एग्जैक्टली बताऊंगी कि कैसे आपने रीडिंग बुक करनी है, ठीक है। तो मैं, ना ही मेरा कोई नंबर है एज ऑफ नाउ, तो कोई भी किसी भी तरह के कमेंट सेक्शन में किसी तरह के फ्रॉड में फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल लोग कमेंट्स में भी बहुत तरह से फ्रॉड्स कर रहे हैं। ऑल राइट, तो अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, जितनी आपसे मैच हो उतनी लीजिएगा, ज़बरदस्ती कुछ फोर्स मत कीजिएगा, ठीक है, आप अपने ऊपर। ऑल राइट फ्रेंड्स, ओके, सो क्वेरियस, आइए देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, पहले उनकी फीलिंग्स एंड देन उनकी इंटेंशंस। तो टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया सबसे पहला, अगला है एट ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ द ईयर, व्हील ऑफ द ईयर मीन्स व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड हैंडमैन। देखो, आपके पार्टनर जो भी हैं, जिस भी साइन के हैं, बट फिलहाल वो ये फील कर रहे हैं उनकी लाइफ में एक एंडिंग आई है। अगर वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं या करते भी हैं, वो अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज़ें चाहते हैं जहाँ पर उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए। उनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, चीज़ें उनकी लाइफ में एक हैवॉक सिचुएशन में है, क्योंकि जब इंसान एक एंडिंग से निकलता है, एक रीबर्थ होता है उसकी लाइफ में, तब रुक जाती हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता। और अगर आप सोचो कि वो आपको हैंड टू हैंड एक कहीं ना कहीं फटाफट से आपको वो दे दें, कमिटमेंट दे दें और आपके साथ लाइफ को एक न्यू बिगिनिंग कर लें, तो वो चीज़ें नहीं हैं। फिलहाल उन्होंने अपनी लाइफ को एक तरह से रोका है। यस, डेफिनेटली वो अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुल मोड़ देना चाहते हैं और उसके अंदर आगे बढ़ना भी चाहते हैं, बट एज ऑफ नाउ वो हैंग्ड हैं, अलटके हुए हैं, एक सोच रहे हैं अभी चीज़ों को। और हाँ, हो सकता है कि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे, तो करेंगे, करना चाहते हैं। मैं उनकी इंटेंशंस निकालती हूँ, इस रिलेशनशिप को लेके उनकी क्या है इंटेंशंस। द स्टार, दो कार्ड्स आए हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड्स आए हैं। देखो, इंटेंशन वाइज अगर मैं बोलूं, फोर ऑफ पेंटिकल्स, स्टार्स, ये है एक सेकेंड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखो, किंग ऑफ कप्स के हिसाब से जहाँ तक मुझे दिख रहा है, डेफिनेटली दैट पर्सन हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू, इसमें तो नो डाउट। और उनकी जो इंटेंशन है खुद के लिए, अपनी लाइफ को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, या अपनी ओवरऑल एनर्जी अगर उनकी है, तो उन्हें एक ऐसा घर परिवार चाहिए जहाँ पे एक जॉइंट फैमिली हो, चीज़ें अच्छी हों, सब चीज़ें सेटल्ड हों, ऐसा वो अपने लिए चाहते हैं। और कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों पर आगे प्रयास भी करेंगे। और अभी फ़िलहाल क्या है उनकी सिचुएशन, अगर अभी मैं देखूँ तो अभी वो कहीं ना कहीं हील कर रहे हैं, हीलिंग मोड में है आपके पार्टनर। आपको सोचोगे कि वो भाग भाग के आपके साथ सारी चीज़ें एकदम कर लेंगे, नहीं, थोड़ा सा समय दें उन्हें और हील करेंगे। हील करने के बाद, क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहे हैं अभी कि क्या वो इस एंडिंग से बाहर आ गए हैं जेन्युइनली, या अभी भी उसी में ही फंसे हैं, ठीक है, तो ये उनकी थॉट प्रोसेस है, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल ये है, ये वाला, तो वो वहाँ तक पहुँचे हैं कि नहीं, क्या वो इतने हील हो गए, क्या उन्होंने अपनी ग्रोथ पे काम कर लिया, क्या वो हीलिंग हो गई, या क्या वो आगे बढ़ के आपको
या किसी और भी पर्सन को अपनी लाइफ में दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जब क्रॉस होगा तब आएगा ये वाला फेज, ये एक दिन में नहीं होता। ठीक है, ये है आपके पार्टनर की लव फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। अब मैं उनकी लव मैसेजेस निकालती हूँ फ्रेंड्स। क्या है एक्वेरियस के पार्टनर की लव फीलिंग्स, सॉरी मैसेजेस। यू आर माई स्ट्रेंथ, तो आप उनकी स्ट्रेंथ हैं। आप कहीं ना कहीं आप जब से उनकी लाइफ में आए हैं और आपके साथ जुड़े हैं तो वो इतना पावरफुल फील करते हैं आपके साथ। ठीक है, एंड यू मेक मी फील सिक्योर। तो आप जब से आए हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। आप होते हैं तो वो उन्हें शायद किसी और की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं फील होती। तो आपके होने से उनकी लाइफ में एक अबंडेंस है, एक सिक्योरिटी है। ठीक है, ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं फ्रेंड्स। आइए देखते हैं गाइडेंस क्या है एक्वेरियस के लिए। ओप्स, सारे गिर गए, बहुत सारे मैसेजेस देना चाहते हैं लगता है डिवाइन आपको, पर हम सिर्फ दो कार्ड्स लेंगे। सारे गिर गए थे, आई एम सॉरी। ओके, तो स्पिरिचुअल यूनियन, ये जो भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं ये आपका या उनका बनाया हुआ रिलेशनशिप नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल यूनियन है। ये एक ऐसा यूनियन आया है एक्वेरियस आपकी लाइफ में जो आपको, उनको या उनसे जुड़े लोगों को एक लेसन देने आया है। इन चीज़ों को समझे, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि ये स्पिरिचुअल यूनियन एक मैरिज तक ही जाए, या ये हमें नहीं पता, ये सब डिवाइन के हाथ में है। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल यूनियन है ये एक स्पिरिचुअल लेसन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में है। सो अंडरस्टैंड दैट थिंग ऑल्सो एंड फर्म फाउंडेशन, अपनी लाइफ में एक फाउंडेशन बनाए। ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे या ना रहे, बट आपकी अपनी एक फाउंडेशन होनी चाहिए जहाँ पे आप फर्मली खड़े रहें। कोई हमारे साथ जुड़ता है तो वेरी गुड, नहीं जुड़ता या चला जाता है तो आप अपने ग्राउंड पर खड़े रहें, ये ना हो कि आप ही बिखर जाएँ। ठीक है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा वर्क करें। ये है आपके लिए आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। सो आई होप फ्रेंड्स आपने इस गाइडेंस से कुछ समझा हो और इसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, रीडिंग को लाइक करना, एनर्जी को क्लेम करना अगर मैच की हो। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय फ्रेंड्स।